स्थानीय नेहरू पार्क के सामने स्थित सैनी धर्मशाला में रविवार को आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में आसपास और दूर दराज के क्षेत्रों से भी करीबन 450 लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। यहां पहली और दूसरी दोनों ही डोजेस लगाई गई। इस वैक्सीनेशन कैंप में आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहां पर वैक्सीनेशन कैंप के साथ साथ महाराजा अनंगपाल सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित भी किए गए। कैंप में 400 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस मौके पर महाराजा चरणदास महाराज जी का सानिध्य रहा। महाराज चरणदास महाराज ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आम लोगों को फायदा पहुंचता है, जिससे जरूरतमंद नागरिक अपने आसपास के क्षेत्र में कैंप लगे हुए होने के कारण आम नागरिकों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, उन्हें अपने आसपास में ही वैक्सीनेशन की सुविधा मिल जाती है। बैनर तले जो कार्यक्रम किया गया कोविड 19 चलते टीकाकरण का जो जरूरतमंद लोगों को इस बात का लाभ भी पहुँचेगा, क्योंकि कुछ लोग हॉस्पिटल जा पाते हैं तो इस प्रकार की संस्थाएँ काम करते हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से आम आदमी को उसका फायदा भी होता है और संस्था को भी आशीर्वाद भी है कि अच्छे तरीके से इन्होंने सोशल डिस्टेंस को भी अपनाया है और लोगों को कम से कम चिंता किया है और इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। जी सर, मेरा नाम ममता है और आज हमने हमारे ट्रस्ट है इसके थ्रू हमने कैंप लगाया जब टाइम ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट और 350 तो कन्फर्म है हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, बट हो सकता है 450 भी हो सकते हैं और हम लोगों से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगवाएं और इस महामारी से बचने का उपाय करें और जो तीसरा जो दौर अभी आने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवा के हम उसको भी रोक सकते हैं।